वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफ। आज हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटनिंग करना। देखिए स्ट्रेटनर्स तो सभी लोग बहुत लोग ला लेते हैं, इजीली अवेलेबल है कहीं भी लोकल स्टोर्स में या फिर व्हाट यू से ऑनलाइन में तो, लेकिन ला तो लेते हैं लेकिन उनको प्रॉपरली कैसे करना पता नहीं। यूजुअली लोग ये मिस्टेक करते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसे पकड़ के ऐसे से स्ट्रेटनर यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, जितनी सेक्शनिंग पतली होगी उतना आपका स्ट्रेटनिंग लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और परफेक्ट आएगा। ओके, आज हम देखेंगे कि किस तरह हम स्ट्रेटनर को यूज करके अपना स्ट्रेटनिंग करेंगे। तो चलिए देखिए, आप देख पा रहे हैं मेरे हेयर कितना फ्रिजी है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे हेयर का पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, जब भी मैं हेयर वॉश लेती हूँ दे लुक सो फ्रिजी एंड वेरी ड्राई, लेकिन शाम होते होते नेक्स्ट डे का बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैं अभी हेयर वॉश लेके जस्ट ट्राई करके आई हूँ। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि योर हेयर हैज टू बी वेरी ड्राई, ठीक है। अगर आप रेगुलरली करते हो, मैं तो सजेस्ट करती हूँ रेगुलरली करना नहीं चाहिए, बिकॉज सब्जेक्टिंग योर हेयर टू सो मच ऑफ हीट इज नॉट एट ऑल गुड, ठीक है, बिल्कुल नहीं। कभी कोई सेमिनार्स अटेंड करना है, किसी फंक्शन में जाना है, वंस अ वाइल इट्स ओके, लेकिन मैं तो आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास नहीं है अभी तो हीट रेसिस्टेंस स्प्रे। ओके, वो हीट रेसिस्टेंस स्प्रे जरूर करना बहुत जरूरी है, सो दैट आपका हेयर ना ज्यादा डैमेज होते हैं लेकिन उसका थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन में वो भी मिलता है, देख लीजिए, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं दे दूंगी, अदरवाइज आप ढूंढ लीजिएगा, ऑनलाइन मिलता है या फिर आपके कहीं भी लोकल स्टोर में ले सकते हैं। देखिए स्ट्रेटनर कुछ नहीं, बस ऐसा होता है उसका। देखिए मैं अभी बता देती हूँ, इसका तो कुछ है भी नहीं फ्रेंड्स, मेरे ना यूज कर करके देखिए प्लेट्स का ना थोड़ा सा कोटिंग चला गया, नॉनस्टिक कोटिंग, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस सिंस लॉन्ग। ओके, आई डोंट थिंक दिस इज एडवाइजेबल बट स्टिल, क्योंकि ये हुआ है मेरे को, एक बार मैंने एलोवेरा जेल लगाया था तो मेरे को ऐसे कोटिंग चला गया, नहीं तो पहले था। तो देखिए एक कुछ नहीं, यहाँ पे एक रेड बटन वो ऑन हो जाता है, दैट्स इट। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है फ्रेंड्स, ज्यादा हम भूल जाएंगे तो जल जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको ऑन करके, प्लग पे ऑन करके, जब भी रेड बटन खुल जाता है तो आप उसको थोड़ी देर के बाद ऐसे फील, ऐसे टच करके, टच नहीं करना बिल्कुल भी, बहुत गर्म होता है, दूर से आप वो गर्माहट महसूस कर सकते हैं, तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको सेक्शनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहले आपने सेक्शंस कर लेना है दो। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले चाहिए एक तो स्ट्रेटनर, वो तो पता ही है। तो नेक्स्ट चाहिए आपको टेल को, ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए ऐसे क्लिप्स। आपके पास ऐसे क्लिप्स हैं तो भी ठीक है, क्रोकोडाइल क्लिप्स, लेकिन सभी लोग को ये कन्वीनियंट नहीं लगता, आई फील वेरी कन्वीनियंट विद दीज। ओके, सो हम सेक्शनिंग कर लेंगे पहले। देखिए क्राउन लेवल से लेके ना, क्राउन से लेके ईयर तक एक सेक्शन कर लीजिए, सो दैट दिस विल नॉट बॉदर यू। ओके, रख लिया। इसको भी आप क्या करेंगे, सो दैट दिस विल नॉट बॉदर यू। ओके, अभी आप पीछे वाले सारे सेक्शन को ऊपर कर लेंगे। इससे पहले आप ना फ्रेंड्स, आपने या तो टेलकॉम लेके ले लीजिए या फिर दोनों हाथों से ऐसे लेके ना थोड़ा सा छोटा सा सेक्शन लेके बाकी इसको ऐसे रख लीजिए। ये है यहाँ पे, ओके, नॉट बॉदर यू, दिस इज द सेक्शन यू आर गोइंग टू वर्क विथ। आपने छोटा सा सेक्शन ले लिया, इसमें भी आप चलिए मैं ये रिंग्स ना उतार ही देती हूँ, ये बहुत आड़ा आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आप ले लेंगे आधा। ओके, इसमें भी दो सेक्शन कर लेंगे, करके इसको
इसको अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए. कॉम्ब को हमेशा ऐसे नीचे रख के, बी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स, जला मत लीजिएगा. ठीक ओके. वैसे ही नेक्स्ट सेक्शन को आपने कॉम्ब ऐसे नीचे रख के मैं यूजुअली मिरर के सामने बैठ के करती हूँ तो समझ में आता है. अभी तो मैं कैमरा में बिल्कुल दिख भी नहीं रहा मुझे, तभी भी मैं ट्राई करूँ. देखिए ओके. जितने आप पतले सेक्शंस लेते हो ना फ्रेंड्स, उतना आपका स्ट्रेटनिंग अच्छा होगा, आइनिंग अच्छा होगा और इट विल लास्ट लॉन्ग. आप ऐसे पकड़ पकड़ के कर लेते हैं तो वो ज्यादा देर नहीं रुकते. ओके देखिए हो गया. देखिए मेरे बाल कितने पतले हैं ना, दो तीन सेक्शंस में हो ही जाएगा मेरा काम. हो गया. अब इसको आपने क्या करना है, ओके अब आपने इस पोर्शन पे करना है, राइट. हो गया. चलिए कितने मेरे पतले बाल है कि देखिए, दिखने में ऐसे फ्रिजी से होके बड़े लगते हैं लेकिन आप मिरर के सामने बैठेंगे ना फ्रेंड्स तो आपको अच्छे से दिखेगा क्या हो रहा है. अभी फिर से ये लास्ट तीसरा वाला निकाल के, दिस इज द पीस. ओके इट डिपेंड्स, आपके अगर थिक बाल है तो और भी आप थिक थिक और भी पतले पतले लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे इतने ज्यादा घने नहीं है तो आई थिंक आई कैन मैनेज, इसी से हो जाएगा मेरा. कोम रखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, कोम जरूर रखना है. ओके सी ये नहीं देखिए कितने शॉर्ट लग रहे हैं, थोड़े लंबे भी लग रहे हैं ना. गुड देखिए जो नहीं हुए आराम से दिखते हैं आपको. ठीक है अभी अभी ये तो हो गया पीछे का, ऐसे करके इसको अब आपने क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे सेक्शन साइड्स में ले लीजिए. ओके ऐसे ओके. इस जगह आप बहुत ही केयरफुल रहना है फ्रेंड्स. आप पतला जितना आप पतले सेक्शंस लेंगे उतना ही अच्छा. कितनी अच्छी हवा चल रही है ना.
कोम बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, कई लोग ना कोम नहीं यूज करते, तो इससे ना क्या होता है कि आपके ना स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स आप देख रहे हो ना डिफरेंस, तो नॉर्मल से भी ये कोई ज्यादा हाई फाई या कॉस्टली भी नहीं है। देखिए मेरा वो कोटिंग भी चला गया बट स्टिल अच्छे से काम करता है। ओके चलिए मैं इस तरफ भी करके फिर बताती हूँ आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग फॉर आइनिंग सी टू इट कि आपके बाल अच्छे से कंडीशन किए हो। ओके मैं कभी केमिकल्स वगैरह कंडीशनर्स नहीं यूज करती। मैंने लगाया था अंडा, एग योक विथ लिटिल कर्ड। मैंने क्योंकि एग योक जो है बहुत ही ड्राई, जिसके हेयर हैं उनको सिर्फ एग योक और थोड़ा सा दही मिला के ना अच्छे से, थोड़ा सा एक चाहे तो आप एक एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं एक स्पून करके, अच्छे से मिक्स करके ना फ्रेंड्स। मैंने पूरे हेयर में नहीं लगाया, सिर्फ स्कैल्प पे लगाया था, थोड़ा बहुत बचा था तो एंड्स पे लगाया, बीच में तो था ही नहीं, तब भी यू कैन सी द शाइन। ओके जितना आपके बाल कंडीशन होंगे ना, हेल्दी होंगे, ये जो आयनिंग है स्ट्रेटनिंग है उतनी देर आपको रुकेगा, एंड दिस विल स्टे टिल योर नेक्स्ट हेयर वॉश। इतने दिन आप हाँ ये नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, मतलब हेयर वॉश नहीं करेंगे तो उतने दिन रहेगा। और सेकेंड डे ना फ्रेंड्स मैंने नोटिस किया है, चाहे जितने मर्जी हम पोकी स्ट्रेट अभी लग रहे हैं ना, तो नेक्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे को थोड़े से ना स्लाइटली ये एंड्स जो है कर्ल होते हैं, तब तो और भी अच्छा लगता है, मुझे वो वाला लुक ज्यादा अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स दिस इज माई फाइनल लुक, कैसा लगा आपको बताइएगा। देखिए दे लुक सो स्ट्रेट एंड सिल्की राइट। तो फ्रेंड्स आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, जब भी आप स्ट्रेटन करना चाहते हैं तो सेक्शनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, पर जितना पतले आप सेक्शनिंग करेंगे उतना अच्छा सा आपका स्ट्रेटनिंग होगा। ओके मैं बार बार बोल रही हूँ, सेक्शनिंग करने के बाद ही आप आइनिंग स्टार्ट करें। ओके लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स कि ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि दिस इज नॉट गुड, आप देख रहे थे ना। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हेयर को ऑलवेज ड्राई होना चाहिए, थोड़ा भी वेट नहीं होना चाहिए। देख रहे थे ना आप धुआं कैसे निकल रहा था बीच में मैं कर रही थी तो। ठीक है तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ये जरूर बताइए कि मुझे मेरे कर्ली हेयर में मैं अच्छी लगती हूँ या फिर विथ स्ट्रेट हेयर, आपको क्या कैसा लगता है जरूर बताइए। ओके सो टिल वी मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, दिस इज ममता सेइंग बाय बाय। लेकिन बिफोर गोइंग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय।